जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे या फिर बहुत सारे लोग कमेंट में भी बोल रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे थे कि ये ई श्रम कार्ड जो बना है, श्रमिक कार्ड जो बनवाए हैं लोग, उसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? आज तक तो कुछ मिला नहीं, लगता है मिलेगा भी नहीं। इसका क्या कारण है, मतलब क्यों बनवाया सरकार ने, इसका कुछ फायदा नजर आएगा या नहीं आएगा? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब सरकार इस पर क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है। आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यह ई श्रमिक कार्ड है वो प्रवासी मजदूरों के लिए अब वरदान साबित होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो, इसके बाद उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, उत्तराखंड का हो, इन सभी जगहों में बहुत ज्यादा मजदूर जो हैं वो लोग बाहर में जाकर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर कहीं जाकर ड्राइविंग करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब उन लोगों के क्या है जो असंगठित मजदूर थे, उन लोगों के कहा गया सरकार की तरफ से कि ई श्रम कार्ड बनवाइए, ई श्रम कार्ड बनवाइए। ई श्रम कार्ड से आपका क्या होगा कि इससे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये एक वैलिडिटी होगा, वैलिड होगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं मजदूर हूं, कहीं साबित करने में आसानी होगी आपको। जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप बेंगलुरु कमाने चले गए, हैदराबाद कमाने चले गए, दिल्ली कमाने चले गए, मुंबई कमाने चले गए, कहीं काम करने जब जाते हैं और कहीं पर आप काम मांगते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर, या फिर कहीं भी आप काम मांगने जाते हैं, तो वहां पर आपको सख्त नजर से देखा जाता है। वो सोचते हैं कि वाकई में जो ये काम करने आया है, चाहे पेंटिंग का काम करने आया है, ड्राइवरी का काम करने आया है, सिलाई का काम करने आया है, मकान का काम करने आया, किसी प्रकार से काम करने आया, किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करने आया, तो वाकई इस काम को इसके नॉलेज है कि नहीं, वाकई ये व्यक्ति वहां का रहने वाला है कि नहीं, इसके पास सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, आपको शक के नजर से देखा जाता था। कहीं काम मिल भी गया तो आपको मालिक सोचता था कि पता नहीं कहां से आया, कहां का रहने वाला, इसका आता भी है, नहीं आता भी है, टिकेगा भी नहीं टिकेगा भी। तो इसलिए सर्टिफिकेट बनाया गया असंगठित मजदूर के लिए कि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो उस पर सारा चीज मेंशन रहता है कि इस चीज का आप कारीगर है, ये काम कर रहा है, कुछ नहीं है तो आप मजदूर है, ये चीज मेंशन रहता है, तो आपको ई श्रम कार्ड रहता है, इससे सारा चीज साबित हो जाता है कि आप वाकई में कामगार है और इसके द्वारा आपको काम मिलने में आसानी होगी, इसलिए बनवाया गया। दूसरा कारण क्या था कि कभी सरकार के तरफ से श्रमिक के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर के लिए कुछ आएगा, कोई फंड हो गया, किसी प्रकार का स्कीम हो गया, कोई फायदा पहुंचाना हो, तो इसमें सर्वे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसको मदद करना है। सरकार के पास ये डाटा तैयार हो गया हुआ है, उनको तो पता ही है कि हमारे देश में लगभग 38 करोड़ असंगठित मजदूर है। अभी तो आंकड़ा बढ़ गया हुआ है, लेकिन ये जब बना था 2021 का आंकड़ा है कि लगभग 38 करोड़ असंगठित मजदूर थे। तो वो सरकार इसलिए बनवा रही है, सभी को बनवा रही थी ताकि मेरे पास सारा का डाटा आ जाए, तो कोई भी फंड देना हो, स्कीम देना हो, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा जाए। क्योंकि आप ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका आधार कार्ड लगा होगा, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर लगा होगा, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट लगा होगा, तीन चीज कंपल्सरी था, ये लगाना था तो अकाउंट पर उसको फायदा पहुंचाया जा सके। जैसे आपको कोरोना काल हुआ था तो उसमें लॉकडाउन 2-3 महीने के लिए लग गया था, तो इसलिए किया गया था कि इस तरह की परिस्थिति फिर कभी आए तो मजदूरों के अकाउंट में सीधा मदद भेज दिया जाए, या फिर मजदूर जो काम करते हैं उसका सामान के लिए पैसा, एक्सेसरीज के लिए पैसा, या फिर उसके औजार के लिए पैसा कभी देना हो, सरकार की तरफ से मदद करना हो, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट पे जाए। हालांकि अभी तक किसी को बहुत ज़्यादा मदद नहीं हुआ है, कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और भी बहुत सारे राज्यों में, आपको बता दूं कुछ राज्यों में 500-500 रुपया कुछ महीने दिए गए थे, लेकिन उसके बाद किसी को कुछ मिला नहीं। आपको बता दूं कि श्रम सचिव आरती आहूजा ने कहा है कि एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाएगा, किनको, जो लोग मजदूर हैं, जो लोग मजदूर हैं, जो लोग लेबर हैं, जो लोग कामगार हैं, उनको एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाएगा। अब आपको बता दूं कि अब सरकार को पता कैसे चलेगा कि कौन मजदूर है, कौन लेबर है, कौन कामगार है, तो आपको बता दूं इन लोगों का फायदा किनको होगा, जिसका ई श्रम कार्ड, ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है, वो डाटा तो गवर्नमेंट के पास चला गया हुआ है, ऑनलाइन लोग बनवाए तो, अब उन्हीं लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र सरकार बना के देगी। सिर्फ आपको एक डिटेल्स भरना होगा ऑनलाइन कहीं से, चाहे वो ऐप के द्वारा हो या फिर साइट के द्वारा हो, अब बस आपको विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा अगर आप प्रवासी मजदूर है, बाहर रह के काम करते हैं तो। अब इससे फायदा क्या होने वाला है ये भी सुन लीजिए कि ये जो विशिष्ट पहचान पत्र बनेगा ये तो आपका ई श्रम कार्ड से जुड़ा होगा, आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा, और ये पहचान पत्र बन जाएगा तो क्या होगा,
काम खोजने का झंझट बहुत सारे लोगों को खत्म हो जाएगा। मतलब जिन लोगों को आसानी से काम मिल जा रहा है या फिर कहीं काम कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो परमानेंट कर रहे हैं, परमानेंट काम मिल रहा है, उसके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों को काम नहीं मिलता है काफी काफी दिनों तक, कभी कभी देखते हैं कोई कोई मजदूर को महीनों काम नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है। जिस तरह का काम वो सीख रखे हैं, जो काम करते हैं उस सेक्टर में जल्दी काम नहीं मिलता है, उनको लगता है कि भाई अब जीवन कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को जो प्रवासी मजदूर है, बाहर से आएंगे और बाहर में काम खोजेंगे, काम मिलने में उन्हें दिक्कत होगी, तो विशिष्ट पहचान पत्र के आधार पर वहां का जो डिपार्टमेंट रहेगा, जो वो उसको काम दिलाने में मदद करेगा, काम तक पहुंचाने में मदद करेगा, उन्हें यह गाइड करेगा कि कहाँ खाली है आपका काम, किस कंपनी में आप लग सकते हैं, किस कंस्ट्रक्शन साइट पर लग सकते हैं, किस फैक्ट्री में जाके आप काम कर सकते हैं, कहाँ पर काम अभी खाली है। तो वो आसानी हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि अचानक बिहार, यूपी, बंगाल, आपको बता दूं उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड से आ जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में काम करने के लिए। आने के बाद पता चलता है, अरे आ तो गया हूँ, काम खोजने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरा दोस्त काम कर रहा था इसलिए मैं उसके पास आ गया, सोचा कि काम मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो काम खाली है ही नहीं। लेकिन यह पहचान पत्र आपको काम दिलाएगा। सरकार इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, इसके लिए एक ऐसा डाटा तैयार कर रही है जहां से आपको काम मिलने में आसानी होगी। तो जो लोग श्रमिक कार्ड बनवा रखे हैं, ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं, उनके लिए यह वरदान साबित होगा। आपको बता दूं, ये तो स्टार्टिंग है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज है जो ई श्रम कार्ड से जोड़ा जाएगा और ई श्रम कार्ड वालों को मिलेगा। आपको बता दूं, एक टाइम था आपको आधार कार्ड जो बनना स्टार्ट हुआ, जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ उस समय काफी आधार कार्ड का विरोध हुआ, आधार कार्ड में कोई काम ही नहीं था, कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक, और हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिन कह दिया कि भाई ये आधार कार्ड है, इसका प्राइवेसी आप लीक नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं कि हर जगह आधार कार्ड से ही काम होगा, आधार कार्ड कंपल्सरी नहीं है, जहां देना हो आप दे सकते हैं, जहां जरूरत नहीं हो, जहां लगे कि नहीं देना है आप नहीं दे सकते, जबरदस्ती इसमें नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया अभी कि बिना आधार कार्ड का आपका कोई काम ही नहीं होता है, वही सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंपल्सरी कर दिया। ना बिना आधार कार्ड का आपका अकाउंट खुलता है, ना बिना आधार कार्ड का आपका सिम मिलता है, ना बिना आधार कार्ड का आपका इंश्योरेंस होता है, ना बिना आधार कार्ड का आप किसी कब शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना बिना आधार कार्ड का आजकल तो बड़े बड़े डीलिंग, खरीदारी, लेन देन भी नहीं कर सकते। तो आधार कार्ड कंपल्सरी हो गया हर जगह। इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड बनना अभी स्टार्ट हुआ है, 2 साल पहले लोगों में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हो गई कि इससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 20 से 25 करोड़ मजदूरों का ही डाटा तैयार हुआ है और इतने लोगों ने ई श्रम कार्ड और ई श्रमिक कार्ड बनवाया है, तो 80% भी आंकड़ा चला जाएगा, तब सरकार काम करना स्टार्ट होगी, तब आपको फायदा लगेगा, तब उस दिन पता चलेगा कि भाई ये तो आधार कार्ड की तरह कंपल्सरी हो गया। अगर आपके पास विशिष्ट पहचान पत्र नहीं है, आपके पास ई श्रमिक कार्ड नहीं है, आपके पास लेबर कार्ड नहीं है, फिर आपको कहीं काम नहीं मिलेगा। हर जगह कंपल्सरी एक समय में हो जाएगा कि भाई ई श्रम कार्ड है उन्हीं को काम मिलेगा, क्योंकि आपको साबित करना होगा कि आप वाकई में मजदूरी करते हैं या नहीं करते हैं। तो किसी कंपनी में आप काम खोजने जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, पहले ई श्रम कार्ड देखा जाएगा, ई श्रम कार्ड है कि नहीं, तभी आप काम कर सकते हो, क्योंकि ई श्रम कार्ड होने का मतलब है कि आपसे किसी प्रकार का कोई भी डिटेल्स नहीं लिया जाएगा, सारा डिटेल्स उसमें रहता ही है। यहाँ तक कि प्रवासी, मतलब किसी दूसरे राज्य में काम करने जा रहा है, किसी दूसरे स्टेट में काम करने जा रहा है, वहाँ पर रेंट पर रूम लेने जाएंगे, कमरा लेने जाएंगे रहने के लिए, वहाँ मकान मालिक आपसे पूछेगा आपके पास ई श्रमिक कार्ड है कि नहीं, आप वाकई में यहाँ काम करने आए हो, किस स्टेट के रहने वाले हो, ई श्रमिक कार्ड दिखाओ, तभी मैं आपको रूम दूंगी, तभी मैं आपको कमरा दूंगा, इस तरह की बातें आपसे की जाएगी और आपको बहुत दिक्कत होने वाला। तो इसलिए बता दूं कि ये सब चीज़ें ई श्रमिक कार्ड रहेगा तो भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या जरूरत था इसका, ये जरूरी भी है ताकि गलत लोग सही जगह पे ना पहुंच पाए, गलत लोग किसी अच्छी चीजों का फायदा नहीं उठा सके। अब देखिए इसमें गलत लोग, अच्छे लोग, आप सोचेंगे क्या, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि एक कमरे में रहकर 4 लोग 5 लोग 10 लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें से एक भाग जाता है किसी का पैसा लेकर, किसी का सामान लेकर भाग जाता है, किसी कंपनी में कोई बाहर का व्यक्ति काम करने जाता है, वहां से पता चलता है पैसे लेकर भाग गए, सामान बेचकर भाग गए, कोई कोई तो फैक्ट्री मालिक की हत्या करके पता सुनने में आता है कि उसका जेवर लेके भाग गया, पैसा लेके भाग गया, सामान लेके भाग गया, कोई नौकर किसी के यहाँ काम कर रहा है उसके यहाँ लूटपाट हो गया, चोरी हो गया, फिर कुछ जेवर जेवरात लेके भाग गया, फिर उसकी पत्नी को मारपीट करके भाग गया, कुछ पैसे लेके भाग गया, इस तरह के मामले आप सुनते होंगे। तो ये जरूरी नहीं कि सब लोग करते हैं, सब लोग की बात नहीं बोल रहा है, लेकिन 2% 1% ऐसे भी लोग होते हैं जो मजदूरी के आड़ में जाकर ऐसा लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं। जितने भी मजदूर हैं उसमें 99% मजदूर, मैं आपको बता दूं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन 1% ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के कार्य कर लेते हैं। तो ऐसा न हो, इसीलिए यह बन जाएगा तो कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा, गलत काम नहीं कर सकेगा, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि ई श्रम कार्ड में सारा डिटेल्स रहता है, कहीं भाग के नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ आधार भी उसका ऐड रहेगा, ई श्रमिक भी ऐड रहेगा, विशिष्ट पहचान पत्र भी ऐड रहेगा, मतलब सारा चीज़ उसका ऐड रहेगा, मोबाइल नंबर भी ऐड रहेगा,
आपको जब कार्ड मिलेगा, ई श्रम कार्ड का कार्ड, अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का पेपर मिला है, कार्ड मिलेगा जिसमें एक चिप भी लगा दिया जाएगा, जिसमें कहाँ कहाँ उसने पहले काम किया है ये भी डिटेल्स हो सकता है उसमें डाल दिया जाए सरकार के द्वारा, तो ये सब सारा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आने वाला समय में ई श्रम कार्ड का फायदा समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस पर सरकार द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है, बहुत जल्दी यह घोषणा हो जाएगा और आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए आपके पास किसी प्रकार का ई श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड है, कोई भी कार्ड है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। खास तौर पर जो नेशनल लेवल पर बना है वो आपका ई श्रम कार्ड है, ई श्रमिक कार्ड है, और अभी जो बनेगा वो विशिष्ट पहचान पत्र बनेगा उनका बनेगा जिनके पास ई श्रम कार्ड है, उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है भविष्य में, चाहे वो एक साल बाद हो दो साल बाद हो, उनको बहुत कुछ सरकार की तरफ से मिलने वाला है, बहुत कुछ सिक्योरिटी मिलने वाला है और बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। दोस्तों इसी तरह से कोई भी अपडेट आता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम का हो, लॉ के तरफ से, लॉ जानते हैं आप कानून की हो गया, इसके अलावा रेलवे का हो, या फिर आपको मोटिवेशनल हो, पॉलिटिकल हो, बहुत सारे टॉपिक पर आपको जानकारी देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल में इसी तरह से बने रहेंगे। अगर नई नई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपको बता दूँ मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।